जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। अनुष्का एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेके आते रहते हैं। सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे शानदार तरीके से आपको समझाने की काम करते हैं। एसआई भर्ती का आपका मामला अभी सुन रहे होंगे, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 की जो आपकी थी उसके अंदर घपलाबाजी आपने देख ली होगी। अब उस घपलाबाजी को देखते हुए जो अधिकारीगण आपका फैसला लेते हुए देख रहे हैं, ये फैसला उन विद्यार्थियों के लिए दिक्कत कर देगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, जैसे कि आपके कांस्टेबल वगैरह हो गए, वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का पद का सपना देख रहे हैं, तो उन सपनों को साकार करने में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, ये आपकी भर्ती विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है, तो इस मार्ग पर मत जाने दीजिए। आप अच्छे से ध्यान दीजिए इन चीजों को। देखो, भर्ती एसआई भर्ती राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मेरिट के आधार पर हुई होगी। भर्ती आरपीएससी के प्रस्ताव पर मूल, ठीक है। अब आरएस परीक्षा से भर्ती होंगे थानेदार, नियमों में होगा बदलाव। तो ये नियम आपका बहुत कठिन नियम मुझे दिख रहा है, इन नियमों को अंदर आपके क्या होने वाला है मैं आपको लास्ट तक समझाने वाला हूं। आप ज्यादा से ज्यादा पहले इस अखबार कटिंग को, न्यूज को देखिएगा, फिर आपको मैं बताता हूं। देखो, इसके अंदर उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये कुछ यहां पे चीजें लिखी हुई दिख नहीं पा रही अच्छे से क्लियरली, लेकिन इसके अंदर मैंने यही देखा है कि इसके अंदर आरपीएससी पुलिस जो भर्ती करवाती थी तो वो आपकी आरपीएससी करवाएगी, लेकिन पहले आपका जो भर्ती करवाया जाता था उसके अंदर क्या सिलेबस था उसको चेंज करके नया पैटर्न लगाया जा रहा है। तो नया पैटर्न क्या होगा वो भी बताने वाले हैं। तो इसके अंदर ये स्पष्ट लिख दिया, अब आरएस परीक्षा से भर्ती होंगे थानेदार। तो आरएस के अंदर किस टाइप का सिलेबस है, एसआई के अंदर किस टाइप का सिलेबस है, दोनों को कंपैरिजन करने वाले हैं। आरएससी कांस्टेबल के लिए न्यूनतम देखिएगा शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आरएससी जो भर्ती होती थी आरएससी, आरएसी और आरआईएसएफ जो आपका राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और राजस्थान ये जो आरएसी भर्ती होती है इसके अंदर आपकी 10वीं पास योग्यता थी उनको बढ़ाकर आपकी 12वीं पास की जा रही है, 12वीं पास। तो क्या ये सीईटी के अंतर्गत आएगी, सीईटी के अंतर्गत आ सकती है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर बात करें तो आप सभी के लिए देख सकते हैं इसके अंदर शानदार तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हम बता दीजिए सभी दोस्तों को कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई जा रही है, तो आप जल्दी से सभी साथियों को शेयर करिए। देखो, इसके अंदर बात करें कि आपके इसके अंदर जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसके अंदर आप सभी के आपको पता है इसके अंदर आपको क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो 12वीं उत्तीर्ण की है, और जबकि आरएसी कांस्टेबल में फिर 10वीं ही है, इसमें ये कुछ लिखा हुआ 12वीं कर जा रहा है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सीधा सीधा बता दूं, जो आपके समान पात्रता परीक्षा भी परीक्षा से भरा जाता है, इस परीक्षा के लिए न्यूनतम अधिक योग्यता भी है, और ये कारण है कि इस बार हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के लिए आवेदन मांगे, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ न्यूज है, तो ये न्यूज भी आप गौर करने वाली न्यूज है आप सभी के लिए, इस न्यूज को आप ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं। अफसरों ने जताई सहमति, तो इसके अंदर देख सकते हैं अफसरों ने सहमति जता दी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं शानदार तरीके से मैंने समझा दिया। अब दो न्यूज इसके अंदर निकल कर आ रही है, एक तो आरएसी जो आपकी योग्यता बढ़ाकर 12वीं की जा रही है, और दूसरी आप सभी के लिए इसके अंदर कि आपके आरएसआई की जो भर्ती होती थी उसके अंदर क्या सिलेबस था, वो किस टाइप का लागू किया जा रहा है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं। पहले राजस्थान पुलिस एसआई जो भर्ती होती थी उसके अंदर सिलेबस था, वो था देख सकते हैं, राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर दो पेपर होते थे, दो पेपर। पहले पेपर के अंदर ओनली हिंदी पूछी जाती थी, 200 मार्क्स की आती थी, 2 घंटे का समय लगता था, 100 क्वेश्चन आते थे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेपर जो था जीके जीएस का पूछा जाता था, 200 मार्क्स आते थे और 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये सब आता था, ठीक है। अब ये तो आपकी एसआई की बात हो रही है, एसआई के अंदर ये सब प्रोसेस था। अब आरएस के अंदर बात करें, आरएस के अंदर क्या प्रोसेस था, उसके अंदर भी दो पेपर,
दो पेपर, एक तो आरएस प्री नाम से होता था, उसके अंदर जीके और जीएस पूछा जाता था, जिसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर होता, 3 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये तो आपकी पात्रता परीक्षा प्री हो गया आरएस का। उसके बाद मेंस में क्या होता था, मेंस के अंदर 4 पेपर, मेंस के अंदर कितने पेपर, 4 पेपर, इसके अंदर 3 सामान्य अध्ययन के पेपर होते थे और इसके अलावा अभी भी हो ही रहे हैं सॉरी, और 1 पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश का मिक्स पेपर होता था। उसके अंदर आपके जो आपका है प्रत्येक पेपर है जो आपका 200 अंक का होता था, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी सॉरी लिखित परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये लिखित परीक्षा है, प्रत्येक परीक्षा ये लिखित परीक्षा है मेंस की। इसके अलावा अब देखो इसके अंदर मेन बदलाव क्या क्या जा रहा है, अब 2 पेपर तो होते ही है, इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ये इसके अंदर यहाँ पे शामिल करके और ये लिखित वाला है इसमें डाल देंगे, इस टाइप से कुछ करेंगे, या फिर यही भर्ती उठा के इस भर्ती के अंदर शामिल कर देंगे, ऐसा कुछ फैसला लेने वाली है सरकार। तो इससे पहले बेरोजगारों को मैं कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सरकार के विरोध में आप थोड़ा सा ट्वीट वगैरह डालिए, जिससे ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और ये भर्ती एज इट इज वैसा के वैसा ही पैटर्न के साथ भर्ती करवाई जाए, जिससे उन विद्यार्थियों को फायदा होगा जो विद्यार्थी गरीब और है, और वो जो कोई सरकारी सेवा में चयनित है जैसे कॉन्स्टेबल हो गए, जैसे और कोई भर्ती में हो गए, तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही बन सकता हूँ, तो उस हिसाब से वो भी जा सकते हैं, तो ये मान के चलिए। इसके बाद एसआई के अंदर फिजिकल टेस्ट होता है, आरएस के अंदर फिजिकल टेस्ट नहीं होता, वो आरएस के अंदर, इसके अलावा बाद इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू इसके अंदर भी होता है, आरएस के अंदर भी होता है, थोड़ा लेवल कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इंटरव्यू दोनों के अंदर भी होता है। इस टाइप का देखा जाए तो आप सभी के लिए ये बेहतरीन है कि आरएस के अंदर थोड़ा सा कठिन पेपर रहता है, लिखित परीक्षा होती है, तो उसके अंदर तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ती है। आप सभी को पता है आरएस कितनी बड़ी भर्ती है और किस टाइप की तैयारी के बाद ही आप सिलेक्शन ले पाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मैं तो यही मानता हूँ ये पैटर्न सही है एसआई के लिए, इसी पैटर्न के ऊपर करवाइए। अब सरकार बोलेगी कि भाई पेपर लीक नहीं होंगे, तो पेपर लीक तो भाई साहब आरएस के क्यों होते नहीं हैं, आरएस के भी तो पेपर लीक होते हैं, आरएस के अंदर भी तो घबराबाजी चलती है, तो यहाँ चल गई तो अब क्या कर सकते हैं। ऐसी कानून लाइए जिसकी वजह से कोई इसका एहसास नहीं कर सके कि मैं नकल कर लूँ, मैं और कुछ कर लूँ। नकल करने से पहले 100 बार सोचें, ऐसा कुछ करके छोड़िए ताकि आपके सरकार को भी लोग याद रखेंगे जुगो जुगो तक। तो इस टाइप का कुछ करके रखिए और इस पेपर के अंदर पैटर्न बदलाव करने से आपकी नकल नहीं रुकने वाली, तो ये मेरा कहना है। तो इस टाइप से आपका सेशन मैंने समझा दिया पूरा कम्प्लीटली, इसके अंदर पूरा कम्प्लीटली बता दिया कि क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या नहीं फर्क पड़ सकता। आप ही कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टेबल के अंदर ये थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए मौका घात से गंवाया जा रहा है, 12वीं पास की जा रही है, तो इसके अंदर भी आप ध्यान दे दीजिए क्योंकि इसके अंदर भी बेहतरीन होगा कि आप 12वीं पास कर लीजिए। ठीक है, मेरा मानना यही था और आपको मैंने बता दिया पूरा डिटेल के साथ। कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सारी जानकारी देने की कोशिश किया। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।